ये कहने की ज़रूरत नहीं कि बाल विवाह एक अभिशाप है और समाज में अभी बाल विवाह से अभिशाप व्याप्त हैं और इस अभिशाप को रोकने के लिए कई लोग सक्रिय भी हैं, कई लोग व्यक्तिगत स्तर पर सामाजिक स्तर पर इसको रोक रहे हैं, तो कई संस्थाएं भी ऐसे कुप्रथा को रोकने के लिए काम कर रही है। ऐसी ही एक संस्था है कन्या विवाह एवं बुद्धा जन कल्याण सोसाइटी और इसकी पूर्णिया इकाई भी लगातार बाल विवाह को रोकने के लिए सक्रिय है। पूर्णिया के गुलाबबाग के पोखरिया मदरसा टोला के वार्ड नंबर 3 में मोहम्मद अजीबुद्दीन की बेटी की शादी के मौके पर संस्था ने अपनी ओर से बेटी को उपहार स्वरूप साजो श्रृंगार के सामान के साथ साथ तकिया, तोशक, चादर, साड़ी और अन्य वस्त्र के साथ एक संदूक भेंट किया। संस्था का ऐसा मानना है कि जो भी लोग बाल विवाह को रोकने के लिए और कन्या विवाह के लिए प्रयासरत हैं उनके साथ संस्था आखिरी होगी और उनका सहयोग करेगी। संस्था ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए अब तक अनेकों कार्य किए हैं। संस्था के द्वारा यह सिद्धांत बनाया गया है कि जो लोग भी जिस समाज में भी बाल विवाह से कुप्रथा के नाश के लिए लोग सक्रिय होंगे वह उनका सहयोग करेंगे। इस मौके पर वीरपुर पंचायत के मुखिया व सरपंच भी मौजूद थे और सबों की मौजूदगी में सबसे पहले विवाह स्थल को सैनिटाइज किया गया और उसके बाद मोहम्मद जामुद्दीन की बेटी के शादी में शामिल लोगों का स्वागत हुआ। सभी ने मौजूद होकर मोहम्मद जामुद्दीन को उसकी बेटी की विदाई पर दिए जाने वाला तोहफा जो कि कन्या विवाह एवं बुद्धा जन कल्याण सोसाइटी के सौजन्य से था उसे सौंपा और उन्होंने भी सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कोशी आलोक और कोशी आलोक में आपका स्वागत है। मैं गोविंद इस वक्त खड़ा हूँ गुलाबबाग के पोखरिया के वार्ड नंबर 3 में और यहाँ पर जो है कि मोहम्मद जामुद्दीन के बेटी की शादी में पूर्णिया की एक अग्रणी संस्था कन्या विवाह एवं बुद्धा जन कल्याण सोसाइटी के द्वारा उन्हें उनके बीच विदाई सामग्री का वितरण कार्यक्रम किया जा रहा है और समाज के कई लोग, कई प्रबुद्ध जन बेटी को आशीर्वाद देने यहाँ आए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं क्या है उनका कार्यक्रम और क्या विदाई दे रहे हैं वो लोग और किस तरीके से शादी हुई, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ का पालन हुआ या नहीं हुआ, या फिर जो इस दिनों लॉकडाउन के बाद जो ये शादी हो रही है, जो निकाह हो रहा है, इसमें तमाम सामाजिक लोगों की भागीदारी किस तरह रही। हाँ, तो आप ये बताइए कि आपकी संस्था जो आज यहाँ आई है जी, क्यों आई है? ये हम लोग भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, बाल विवाह के लिए हम लोग ये मुहिम चला रहे हैं विगत कई वर्षों से। इस बच्ची का शादी 23 वर्ष में की गई है जो कि बाल विवाह से ऊपर है। मैं उसको अपनी संस्था की ओर से एक ट्रंक, तोशक, रजाई, तोतकिया, मच्छरदानी, लड़का लड़की का वस्त्र, श्रृंगार सामग्री का वितरण हम आज किए। इससे पहले हमने सैनिटाइजिंग करवा के ये वितरण लोकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आज इस बच्ची को हमने दिए ताकि आगे जो है कोई भी बाल विवाह ना करे और इसका लाभ वो उठा सके। हमने बात की संस्था के संबद्ध मनोज कुमार जी से जो कि इस वक्त यहाँ आए हैं संस्था की ओर से संस्था का प्रतिनिधित्व करते हुए इन लोगों के बीच विदाई सामग्री वितरण करने के लिए। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये इनको ये विदाई सामग्री, ये उपहार इसलिए दे रहे हैं कि बाल विवाह के विरुद्ध इन्होंने कदम उठाते हुए अपनी बेटी की विवाह, अमन जैसा होता है कि बाल विवाह हो जाया करता है कई तरह के समाजों में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने 23 वर्ष के बाद अपनी बेटी की शादी की, एक बड़ी बात है कि जैसे कि कानून कहता है कि लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक हो तभी उसकी शादी हो और 18 वर्ष से अधिक की उम्र उसकी शादी हुई है। इन्होंने बाल विवाह को प्रोत्साहन नहीं दिया इसलिए इनको ये लोग विदाई सामग्री उपहार देने आए। संस्था का उद्देश्य ही है कि बाल विवाह को रोकना। आइए हम बात करते हैं मोहम्मद निजाम से कि क्या कहना है उनका, आज उनकी बेटी की शादी में कितने खुश हैं। अब बताइए, हाँ, कैसा लग रहा है आज आपकी बेटी का निकाह है? आज हमारा बेटी का निकाह, हम बहुत खुश हैं और ये हमारे जो है बेटी में जो दे रहा है ये भी हम बहुत खुश हैं। तो आपके यहाँ जो ऐसा रीति रिवाज है कि समाज के बहुत लोग शादी में शिरकत करते हैं, निकाह में शिरकत करते हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन में जो नियम है सोशल डिस्टेंसिंग का ये है, बहुत कम लोगों के आने का, क्या उसका आपने पालन किया? इसका हमने पालन किया, ये लॉकडाउन डिस्टेंसिंग का जो है बहुत कम लोगों को जो है मेहमान को बुलाए 2-4-5 ठो और गाँव समाज में भी लोगों को ये 2-4 ठो रखे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क के साथ जो है हम बेटी की विदाई कर रहे हैं। चलिए, तो आप खुश हैं इस बात से? इस बात से खुश हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ मौजूद मुखिया जी से कि उनका क्या कहना है अपने समाज के इस संस्कार के बारे में और आज जो बुद्धा जन कल्याण सोसाइटी यहाँ आई है कि इनके समाज की एक बेटी के शादी में उनको आशीर्वाद देने के लिए, तो क्या कहते हैं उसके निकाह में शामिल होने के लिए, शिरकत होने के लिए, क्या कहना है इनका? निजामुद्दीन के घर पर मुझे आमंत्रित किया गया कि आज मेरी बेटी की शादी है, आप लोग आइए, कन्या विवाह वृद्धा जन कल्याण सोसाइटी के जिला प्रबंधक मनोज कुमार के द्वारा मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया और मैं लोकेश आगे आई। आपके समाज की शादी है तो आप तो ऐसे भी शिरकत कर रही होंगी, एनजीओ के बुलाए पे आए कि बेटी के
पिता के बुलाए पे आए, बेटी पिता और इन दोनों के द्वारा। मैं मोहम्मद मोइनुद्दीन पति सरपंच वार्ड नंबर 3 पोखरिया गांव में, ये शादी बाल विवाह से बाहर करा के हम लोग करवा रहे हैं और हम लोग जो है सारी सहमति से इनकी लड़की को कन्या को विदा कर रहे हैं और जहाँ जो आए हुए मेहमान है उसकी स्वागत के लिए हम लोग तैयार हैं। मुखिया सरपंच दोनों उपस्थित हैं इस बीच में। जो ऐसा कहा जा रहा है कि इस समाज मतलब कि जो ग्रामीण समाज है हम लोगों की इधर का जी, यहाँ बाल विवाह को प्रोत्साहन अधिक मिलता है, तो क्या इस गांव में पहले बाल विवाह की परंपरा रही थी क्या? नहीं, बाल विवाह हम लोग करने ही नहीं देते हैं और बाल विवाह का विपक्ष हम लोग उसका अगेंस्ट करते हैं और उसकी शादी को रुकवा देते हैं। परिवार तो ऐसा करते हैं, करते हैं तो करते थे, अब नहीं करते हैं। अब हम लोग उसके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी निगाह रखते हैं और उसको रोकते हैं हम लोग। ये हैं यहाँ के सरपंच पति मोहम्मद मोइनुद्दीन। हमने जब इनसे बात की कि समाज में जो पहले पूर्व की जो कुप्रथा रही है बाल विवाह की, उसको रोका जा रहा है या नहीं, तो ये कह रहे हैं कि ये बड़ी बात है कि आज इस लड़की की शादी 23 वर्ष में हो रही है, 18 वर्ष के बाद हो रही है। बाल विवाह को रोकने के लिए पहले लोग बाल विवाह के लिए थोड़ी बहुत सोचते नहीं थे, किया करते थे, लेकिन जब से ये लोग सजग हुए हैं इन्होंने कई बाल विवाह को रोका है और आज समाज के कभी किसी तबके को बाल विवाह करने से रोकते रहते हैं और आज भी यही हुआ है। इस वजह से ये पूरा समाज काफ़ी खुश है और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा पालन किया गया है, बहुत कम मेहमान आए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि संस्था के साथ साथ यहाँ के मुखिया और सरपंच दोनों खड़े हैं मोहम्मद निज़ाम के बेटी की शादी में। सामाजिक बदलाव का ये अनोखा संदेश कन्या विवाह एवं बुद्धाचल कल्याण सोसाइटी के द्वारा कि आज ये लोग आए हैं पोखरिया में और एक बेटी को आशीर्वाद देकर जा रहे हैं, क्योंकि ये बेटी ही नहीं बल्कि ये पूरा समाज, यहाँ के लोग, तमाम लोग एक बड़े ही उन्नतशील कार्य, प्रगतिशील कार्य के हिस्सा बन रहे हैं। वो लोग बाल विवाह का विरोध करते हुए अपनी बेटी की शादी 18 से अधिक उम्र में कर रहे हैं, इसलिए समाज का आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ की ये सोसाइटी कन्या विवाह बुद्धाचल कल्याण सोसाइटी यहाँ आई है। इनका उद्देश्य है कि समाज से बाल विवाह पर रोक लगे और सामाजिक उन्नति हो, महिलाएं प्रगतिशील हों और आत्मनिर्भर बने, और आज इसी अपने उद्देश्य, अपने सिद्धांतों को अंजाम देने के लिए ये लोग यहाँ आए। ये बड़ी बात, उम्मीद करते हैं कि इस बदलाव को देखते हुए और सोसाइटी के इस कदम को देखते हुए आगे भी लोग कोशिश करेंगे कि यही जो समाज में कुरीतियाँ हैं उसे रोका जा सके और बाल विवाह ना हो। फिलहाल कोशी आलोक के लिए कैमरा पर्सन कुंदन के साथ मैं गोविंद।